तो मैंने आपके साथ ना एक वीडियो क्लिप शेयर करी थी कल शाम की, कल मैंने व्लॉग नहीं बनाया था तो शाम यहाँ पे हमारा प्याज है वो भी बस खत्म होने वाला है। अब थोड़ा बहुत लगी थी चोट, लेकिन ज्यादा चोट नहीं लगी। ये देखिए बड़ी बड़ी मूली हो रही है, एक ही बार में मैंने आग जला दी है। उन्हें जाति बोलते हैं। दोस्तों गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा नमस्कार और फैलाग और सभी छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। मैं अभी तक स्वागत करती हूँ आपका एक नए दिन में नए ब्लॉग में। तो आज ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग के 11:30 बजे से। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको आज का मौसम दिखा देती हूँ। आज का मौसम मस्त हो रहा है, तेज वाली धूप खिली हुई है और हल्के हल्के बादल भी हो रहे हैं आसमान में। आज का मौसम जो है मस्त हो रहा है, बादल भी हो रहे हैं आसमान में, धूप भी लग रही है और ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। मॉर्निंग के टाइम पे मॉर्निंग का काम तो हो गया था, नाश्ता वगैरह भी हो गया था। तो गाइस ये देखिए इस साल की पहली ओलावृष्टि, यहाँ पे हमारा प्याज है वो भी बस खत्म होने वाला है। अब मैंने आपके साथ ना एक वीडियो क्लिप शेयर करी थी कल शाम की, कल मैंने व्लॉग नहीं बनाया था तो शाम के टाइम पे अचानक से ना बारिश स्टार्ट हो गई और जैसे बारिश हुई ना उतने में ही ओले पड़ने लगे एकदम से, तो बहुत ही ज़्यादा ओले पड़े कुछ देर तक। तो बाद में फिर ठीक हो गया था मौसम। पहाड़ों के मौसम का भी कुछ नहीं कह सकते हैं, कब बदल जाए पता ही नहीं चलता। अभी धूप है तो थोड़ी देर में एकदम से बादल और फिर बारिश भी आ जाती है, पता ही नहीं चलता है। तो कल शाम को जो ओले पड़े थे ना उससे थोड़ा बहुत हमारी सब्जी वगैरह को भी नुकसान हो रहा है। यहाँ पर जो प्याज की बिन्नी लगाई थी उस पर भी ओले पड़े थे। ये रही प्याज की बिन्नी और यहाँ पे कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा है क्योंकि जैसे ओले पड़े ना हमने तुरंत ढक दिया था इसको, तो थोड़े बहुत ही कोई कोई कहीं कहीं पर चोट लगी होगी ओले की, वरना ठीक है। मतलब हमारे प्याज की बिन्नी जिस जैसे हिसाब से ओले पड़े थे हमें तो लगा आज हमारा प्याज गया। तो ये देखिए ठीक है, ये ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। तो ढकने तक ना एकदम से ही ओले पड़ गए थे, थोड़ा बहुत लगी थी चोट, लेकिन ज़्यादा चोट नहीं लगी पौधों को, ठीक है हमारे प्याज के पौधे। तो अभी हो रही है दिन के खाने की तैयारी और दिन के खाने में बन रहा है आज पहाड़ी स्पेशल सब्जी। हरी सब्जी बन रही है, मूली के पत्ते और राई का साग। तो अभी चूल्हे में सब्जी बन गई है, अब इसको ना निकाल दिया है डोंगे में, अब इसमें बनेगी दाल। तो अभी दाल बन रही है भटकी, काले भटकी चुड़कानी। तो हमारे खेत में जो मिर्च के पौधे थे ना उसमें ना जब हमने लास्ट में उखाड़ा उनको तो उसमें ना मिर्च बची हुई थी, हरी मिर्च, तो उसका हमने बनाया है अचार। ये रहा हरी मिर्च का अचार, ये देखिए मस्त सा हरी मिर्च का अचार हो रहा है ये। अब इसको रखते हैं धूप में। तो वह चूल्हे पे को मस्त सी पहाड़ी भटकी चुड़कानी बन के रेडी हो गई है, ये देखिए। अब लेके चलते हैं इसको अंदर किचन में। तो अभी भटकी चुड़कानी भी बन गई है और हरी साग का टपके भी बन गया है। तो अब रख दिए हैं चावल गैस पे। ये रहा पहाड़ी स्पेशल लंच आज का, भात भटकी चुड़कानी हरी सब्जी और साथ में हरी मिर्च का अचार और आम का अचार। अभी दिन का खाना वाना भी बन गया है, अब खाना खाने का भी टाइम हो गया है, तो अब हम एक बार ना फटाफट से खाना खा लेते हैं। और ये रही आज की पहाड़ी स्पेशल थाली, मस्त दिख रहा है दिखने में, खाने में देखते हैं कैसा होता है, टेस्टी टेस्टी सा लंच। गाइस दिन में टेस्टी सा मस्त सा पहाड़ी लंच करने के बाद थोड़ी देर रेस्ट किया और अभी फिर से इनका टाइम हो गया है वॉकर में घूमने का। अरे फिर से बैठ गए हैं वॉकर में और यहाँ पे को हमारा बाबू घूम रहा है मस्त करके वॉकर में। जमीन में आ गई हूँ ना तहजी लोगों के घर पे बगल में, वो रहा हमारा घर और ये रहा तहजी लोगों का घर। आजकल इनके घर में ना कोई भी नहीं है, तहजी भी नहीं है, ताऊजी भी नहीं है, तो इनके ना सीढ़ियों में फूल लगा रखे हैं, उनमें ना पानी डालना है। ये देखिए सीढ़ियों में ना कुछ इस तरीके के इनने गमले बना के फूल लगा रखे हैं और यहाँ पे को कट्ठे रख के गेंदे के फूल लगा रखे हैं मस्त करके, इतने मस्त मस्त फूल हो रहे हैं ये। तो अब इनमें ना पानी डालना है, तो थोड़ा थोड़ा पानी ना सब में डाल देती हूँ।
तो ये रही ताजी लौकी की सीनी, मस्त वाले फूल हो रहे हैं। और ना मैं एक चीज़ देख रही हूँ, ये देखिए यहाँ पर ना एक मूली लगाई होगी उन्होंने, तो ये मस्त सी इतनी बड़ी बड़ी मूली हो रही है। ये देखिए तो पानी तो डाल दिया है। और यहीं पे को ठीक सामने ना इनके भी किचन गार्डन में करेले का झील हो रहा है, इसमें ना फूल भी लग रहे हैं और साथ में करेले भी लग रहे हैं। ये है नीचे इनकी गैलरी और यहाँ पर को लगा रखा है इन्होंने ये करेले का झील। ये देखिए कुछ इतना बड़ा सा ये झील हो रहा है। अभी फूलों में पानी भी डाल दिया है और अब चलते हैं घर को। पैर फैला के कैसे बैठा हुआ है बाबू, बहुत आराम हो रहा है। आराम हो रहा है बिल्कुल, दोनों पैर वॉकर पर रख के। लौकी के बेल में ना अभी भी लौकियां लगी रही हैं, ये देखिए एक एक सब्जी करके ऐसे ही ना लगते ही जा रही हैं। तो आज हमने फिर से लौकी तोड़ दी है हमारे शाम की सब्जी के लिए, इसको काट लेते हैं। तो गाइस वैसे तो सब्जी बनाने का टाइम अभी नहीं हुआ है, मैंने काट दी है तो बाहर पे को बना रही हूँ मैं, तो थोड़ा जल्दी बना लेती हूँ उजाला रहते ही, क्योंकि आजकल दिन भी छोटे होने लग गए हैं, जल्दी अंधेरा हो जाता है। तभी मैंने यहाँ पे को सारी तैयारियाँ कर ली हैं और अब मैं एक बार आग जला के सब्जी बना लेती हूँ चूल्हे। तो अभी जल चुका है हमारा पहाड़ी चूल्हा अंगीठी वाला, तो ये अंगीठी ना अब हमारी कुछ ही टाइम की मेहमान हो रहे लग रहा है, क्योंकि ये ना इसके नीचे से पूरा ये ख़राब हो चुका है दोनों साइडों से, इधर साइड से भी और इधर साइड से भी। ये हमारी ना काफ़ी टाइम चल गई है, तीन दो तीन साल हो गए हैं इसको, तो अब ये पूरी ख़राब हो चुकी है साइड साइडों से। और ये अब जब ख़त्म होता है, और इसके ये ना पकड़ने वाले ये भी उखड़ चुके हैं, और हमने इसमें रख रखी है जांती, क्योंकि पहले हम इसमें रखते थे तो आ जाता था फिट, लेकिन अब क्या है अब ये ऐसे इसमें अगर कुछ भी रखेंगे तो वेट होता है तो ये ऐसे लचक जाती है, तो इसलिए हमने इसमें रखी हुई है जांती, इसको ना जांती बोलते हैं। इसमें रखेंगे अब बर्तन। तो ये देखिए गाइस एक ही बार में मैंने इतनी मस्त सी आग जला दी है, ऐसे मैं एक्सपर्ट हूँ आग जलाने में। और मैंने ना ये कुकर भी रख दिया है, क्योंकि आज हम बना रहे हैं लौकी और चने की सब्जी, लौकी में आज हम मिलाएंगे चना। तो यहाँ पे को बाकी सामान भी ला गई हूँ मैं, और अब मस्त सी स्पेशल सी पहाड़ी सब्जी बना लेते हैं पहाड़ी लौकी की। यहाँ पे को मेरी सब्जी की तैयारी चल रही है और धूप पहुँची हुई है अभी ऊपर फील्ड में, और टाइम हो रहा है अभी 5:30। मैंने सब्जी भी चूल्हे पे चढ़ा दी है और अब चूल्हे पे आराम से अपने आप पकती है ये, तो मैं बाकी का काम कर लूंगी फिर।